ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आज दीपावली है, खुशियों का त्यौहार, रौनक का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार। तो सबसे पहले तो मेरी पूरी साईंदार फैमिली को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा, इस दीदार परिवार का हर एक सदस्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बाबा सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। जितना भी साईं परिवार है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं बाबा, उन सब की दुआ कबूल कीजिए। आज सब पर कृपा कीजिए, आज हम पर दया कीजिए। आज बाबा जो आपसे जो कुछ मांगे, उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करना बाबा। सब पर रहम करना, दया की वर्षा करना, खुशियों की वर्षा करना बाबा। हमने अपने जीवन में जो भी भूल करी है, उस हर भूल की आपसे क्षमा चाहते हैं मेरे मालिक। हमारी हर भूल को माफ़ कर दो। आज हमें अपनी आशीर्वाद दे दो। आज हमें अपने बाबा चरणों से लिपट लेने दो, दया कर दो। ये त्यौहार हम सब के जीवन में खुशियाँ लेकर आए और हमसे जुड़े हर रिश्ते के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, यही हमारी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। बाबा जो हमसे प्रेम करते हैं उन्हें भी सदा सुखी रखना, जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं उन्हें भी सदा सुखी रखना, जो हमारे लिए वक्त निकाल कर हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं उनकी सदा रक्षा करना। और बाबा आज हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर जो इस प्रार्थना को बाद में सुनेंगे आकर के, जिन कानों तक भी ये प्रार्थना जाए और जो भी इस प्रार्थना में शामिल हो बाबा, सबकी इच्छा आज पूर्ण हो जाए, सबकी मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है, इतना आशीर्वाद दीजिएगा। बाबा हमें आपसे एक प्यारा सा तोहफा चाहिए। आज दीपावली पर हम आपसे एक तोहफा चाहते हैं, बेशकीमती तोहफा है, सिर्फ आप ही दे सकते हो। उसके जैसा ना कोई है और ना हमें उसके जैसा चाहिए, क्योंकि हमें तो बस वही चाहिए, और वो है हमारे बाबा, स्वयं आप। बाबा आप हमारी ज़िंदगी में हो, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप हमारी ज़िंदगी में हो, हमारे लिए सब कुछ परिपूर्ण है, और हमें अपनी ज़िंदगी में आप ही चाहिए हो। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए। तो हमारी भूलों को माफ़ करके हमारी ज़िंदगी में आपका आगमन हो। आज साईनाथ हम सबके घर आना। बाबा हम दीप जलाएंगे, आप आशीर्वाद देने आना। हम दीपक से रोशनी करेंगे, आप हमें दर्शन देने आना। बाबा हमारे छोटे से घर पर अपना आशीर्वाद बनाना। हमारी छोटी सी कुटिया में मेरे साई ज़रूर आएंगे, यही विश्वास है, यही उम्मीद है, और बस इसी उम्मीद के साथ बाबा को अपने घर बुलाना है। बाबा ज़रूर आएंगे, जिसका जितना सच्चा भाव होगा ना, साई ज़रूर आएंगे। बाबा आज हमें आपका इंतज़ार रहेगा कि मेरे साई ज़रूर आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, हमें दर्शन देंगे। आपके दर्शनों की अभिलाषा है, आपके दर्शनों की चाहत है, एक छोटी सी झलक भी हमारी ज़िंदगी बना सकती है बाबा। और आना तो ये एहसास दिला कर जाना कि आप आए हो, हम भटक ना जाएं, ऐसा ना हो कि आपको पहचान ना पाएं। जब आप आओगे तो हमें ऐसा संकेत मिले कि मेरे साईं आ रहे हैं, मेरे बाबा आ रहे हैं। हे देवा, हम अपने साई के स्वागत के लिए अपने द्वार पर खड़े होंगे, आप ज़रूर आना। ये हमारे पूरे फैमिली की इच्छा है कि हमारे साई ज़रूर आ जाएंगे। तो साई ज़रूर आएंगे, आप चिंता नहीं करना, बाबा ज़रूर आएंगे, विश्वास से बुलाइएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बाबा अपने भक्तों की बात को टाल दें। तो चलिए, आज सबके लिए प्रार्थना की है, सबका जीवन सुखमय हो। हाँ, लेकिन जो 11 नाम हैं, जो हमारी कर्तव्य है, हमारा जो हमारी सेवा है, वो तो हमें देनी ही देनी है ना। तो जो 11 नाम आज की प्रार्थना में हैं, आइए उनके लिए प्रेयर करते हैं।
उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी हर खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं कि साईनाथ उन पर कृपा करना और उनके जीवन में भी सदा खुशियों का आगमन होता रहे। और जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कर रहे हैं और आगे तक बाबा जो शेयर कर रहे हैं, जो दूसरों के कानों तक आपकी लीलाओं, आपकी बातों को पहुँचा रहे हैं मेरे बाबा, उन पर भी कृपा करना, उन पर भी दया करना। क्योंकि सुनकर जो शेयर करते हैं, जो दूसरों तक उस चीज़ को बांटते हैं, वो भी अच्छी चीज़, वो वाकई पुण्य का काम करते हैं। तो जो भी इस वीडियो को शेयर करते हैं, मेरा उनको बार बार धन्यवाद है। थैंक यू सो मच जो आप एक नेक कार्य कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और चलिए आइए प्रार्थना करते हैं, 11 वचन पढ़ते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत खुशियों भरा है। मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी में बाबा आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। ये दीपावली, शुभ दीपावली और बहुत शुभ दीपावली होने वाली है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, जय जय साईं राम करते हैं, भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं और सबके लिए कुछ मांगते हैं, अपने लिए बाबा को मांगते हैं। ठीक है, चलिए आइए। वो नाम हैं जो आज की प्रार्थना में लिए जा रहे हैं, हे देवा उन पर कृपा करना, दया करना, उन सबकी श्रद्धा की भी लाज रखना, हमारी आपके चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आज के नेम है मंजू देवी जी, बच्चा ध्रुव, ऋषु जी, सोनी कुमारी जी, अमरनाथ जी, पूनम सिंह जी, सिकंदर रोकड़े जी, अंकिता नवोदय जी, बीना गुप्ता जी, पार्थ जी, चांदनी चौबे जी एंड ऑल फैमिलीज। बाबा इन सभी पर कृपा करना, दया करना, रहम करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना और सबके जीवन में खुशियों का आगमन हो, समस्याओं का समाधान हो, हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हे देवा हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना, कबूल करना, अपनी रहमत, अपना आशीर्वाद हम सब पर, हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखना। आज हमें आपका इंतज़ार है और आज आप आएंगे तो सारे दुख मिट जाएंगे, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मेरे मालिक आप सभी के घर आना बाबा, रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो पार्थ जी का बर्थडे है, पार्थ जी आपको आज के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मालिक आपको सदा खुश, हैप्पी, हेल्दी रखे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो और ऐसे ही बाबा आपके जीवन में खुशियों का आगमन, बाबा का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे, हमारे श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। चांदनी चौबे जी का जन्मदिन है, चांदनी जी आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, मालिक आपको सदा खुश रखे, हैप्पी, हेल्दी रखे, जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे, आपकी हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, साईनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन, आपके परिवार पर सदा बना रहे, हमारी बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए हम सभी मिलकर बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, दीपावली की शुरुआत करते हैं और नए नए दिन की शुरुआत करते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियों को देखते हैं और अपनी ज़िंदगी में बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका आने वाला हर दिन बेहद खूबसूरत हो, हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। आइए दिन की शुरुआत करते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा के आशीर्वाद से आज का दिन आप सबकी लाइफ के लिए बेहद खूबसूरत हो। तो चलिए दिन की शुरुआत कीजिए, प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।